गगनचुंबी इमारतें बनाने पर लगाम, सुपर हाई राइज इमारतों के निर्माण पर लगाई पाबंदी। इस साल जुलाई में चीन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 500 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण को लेकर पाबंदी लगाई थी। ये कदम दो महीने पहले मई में दक्षिणी चीन के शेंजेन शहर में एक बहुमंजिला इमारत में कंपन महसूस किए जाने की घटना के बाद उठाया गया था। तब 980 फीट ऊंचे एसईजी प्लाजा में मौजूद लोगों को यह इमारत हिलती हुई लगी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। तब वहां कोई भूकंप नहीं आया था। इसके बाद इस घटना की जांच के आदेश दिए गए। महानगरों की कई इमारतों में दांव पर है जिंदगी। चीनी सोशल मीडिया वीबो पर सरकार के इस फैसले का लोगों ने समर्थन किया है। कई लोगों का कहना है कि सुपर हाई राइज इमारतों की जरूरत नहीं है, ये दिखावटी हैं। इससे पहले इसी साल सरकार ने बदसूरत वास्तुकला पर बैन लगाया था। नए नियमों में क्या कहा गया है? हाउसिंग मंत्रालय, शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय और आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने एक साझा बयान जारी कर कहा कि ऐसे शहर जहां कुल आबादी 30 लाख से कम है, वहां 150 मीटर से ऊंची इमारतें बनाने पर रोक लगाई जाएंगी। जिन शहरों की आबादी इससे ज्यादा है, वहां 250 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक होगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन शहरों की शहरी आबादी 30 लाख से कम है और वहां 150 मीटर से अधिक ऊंची इमारत बनाने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। हालांकि किसी भी स्थिति में यहां 250 मीटर से अधिक ऊंची इमारतें बनाई नहीं जा सकेंगी। इसी तरह जिन शहरों की आबादी 30 लाख से ज्यादा है, वहां 250 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी, लेकिन वहां भी अधिकतम 500 मीटर तक की सीमा लागू रहेगी। इतना ही नहीं, इन नियमों का उल्लंघन करने वालों की आजीवन जिम्मेदारी तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।